नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करेंगे। कॉम्पटन ने 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट किया था। कॉम्पटन इफेक्ट की स्थिति में कॉम्पटन ने एक किरण स्केटिंग प्रयोग में ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्यों का मापन किया तथा ये अपेक्षित किया कि प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंग दैर्ध्यों की एक्स किरणें पाई जाती है। एक प्रकार की एक्स किरण जिसको तरंग दैर्ध्य आपातित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य के समान है तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य आपाती एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। इस प्रकार एक्स किरण प्रकीर्णन योग में आपाती एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण के पाए जाने की घटना को हम क्वांटम प्रभाव कहते हैं। क्वांटम प्रभाव को प्रायोगिक रूप से करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने यह दिखाया हुआ है। इसमें एक एक्स किरण सोर्स होता है जहाँ एक्स किरण उत्पन्न होती है। ये एक्स किरण एक प्रकीर्णक पर गिरती है। क्वांटम ने ग्रेफाइट ब्लॉक को एक प्रकीर्णक के रूप में इस्तेमाल किया था। इनमें कुछ किरणें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्केटर्ड होती है। स्केटर्ड रेज को समांतर सिस्टम से समांतरित कर लिया जाता है एक दूसरे क्रिस्टल द्वारा। इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्स किरण डिटेक्टर में इनको ऑब्जर्व किया जाता है। जो अधिकांश एक्स किरणें हैं वो बिना किसी प्रकीर्णन के आगे की ओर गमन कर जाती है। इस प्रकार के प्रयोग में क्वांटम ने ये देखा कि जो एक्स किरण डिटेक्टर है, एक्सरेस डिटेक्टर, उससे आंकड़ों का जब विश्लेषण किया गया तो उन्होंने देखा कि एक्स किरण के आपतित किरण के अतिरिक्त कुछ अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें भी प्रयोग में प्राप्त हुई हैं। इस घटना को, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्वांटम प्रभाव कहते हैं तथा प्रकीर्णित एक्स किरण और आपतित एक्स किरण के बीच के तरंग दैर्ध्य के अंतर को क्वांटम विस्थापन कहते हैं। सामान्यतः चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी तरंगों का अवशोषण करके सभी तरंग दैर्ध्यों को समान रूप से प्रकीर्णित करना करेगा, ऐसा चिरसम्मत सिद्धांत से हम जानते हैं। जबकि क्वांटम प्रभाव में आपतित और प्रकीर्णित तरंगे अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चिरसम्मत सिद्धांत क्वांटम प्रभाव की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। आइए अब हम क्वांटम शिफ्ट फार्मूला को डिराइव करते हैं। सामान्यतः जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में Z
स्थित पद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक्स किरण फोटोन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में देखे जाते हैं। अतः जब निश्चित तरंग दैर्ध्य के एक पर्णी एक्स किरणों के फोटोनों को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के लक्ष्य पर आपतित करते हैं तो फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण प्रकीर्णित विकिरणों के फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन के तरंग दैर्ध्य से अधिक पाई जाती है। यहाँ मैंने उसको चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है। आपतित फोटोन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपतित है। आपतित फोटोन की एनर्जी टक्कर से पूर्व p1=hν है। इसका संवेग टक्कर से पूर्व p1=hν/c है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है अतः उसका संवेग जीरो है और उसकी एनर्जी विराम एनर्जी के बराबर है m0c2, जहाँ m0 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग है। दोनों में टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा के साथ फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित फोटोन का संवेग h/c तथा प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h/c के रूप में यहाँ दर्शाई हुई है। इन दोनों, क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन टक्कर के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन भी प्रतिक्षिप्त या रिकॉयल्ड होता है, जिसके कारण वो आपतित फोटोन की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर प्रतिक्षिप्त हो जाता है और उसकी ऊर्जा mc2 और उसका संवेग mv के बराबर हो जाता है, जहाँ m उसकी वेलोसिटी है और m वेलोसिटी v पर उसका द्रव्यमान है। यहाँ हमको ये महसूस हो रहा होगा कि आपतित फोटोन और इलेक्ट्रॉन पहले टक्कर करते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं, पर ऐसा नहीं है। टक्कर में पहले इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का अवशोषण करता है, तत्पश्चात एक दूसरे फोटोन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित फोटोन ही प्रकीर्णित होकर फाई डायरेक्शन में गमन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार हम जानते हैं टक्कर के पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के पश्चात की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। अतः आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है टक्कर से पूर्व वो h/u है। विराम इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पूर्व ऊर्जा m0c2 है। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h/u के बराबर है और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc2 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस प्रकार, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है अतः एक अक्ष के अनुदिश पहले संवेग का संरक्षण अगर हम लगाएं तो हम जानते हैं टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग एक्स डायरेक्शन में समान होगा। आपतित फोटोन एक्स डायरेक्शन में हम मान रहे हैं, इसलिए उसका संवेग हमने यहाँ h/c लिया है। इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है अतः उसका संवेग जीरो लिया है। एक्स डायरेक्शन में प्रकीर्णित फोटोन का संवेग, क्योंकि हम जानते हैं आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन के बीच एंगल फाई है, अतः टक्कर के पश्चात एक्स डायरेक्शन में
फोटोन का संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई के बराबर होगा, और थीटा डायरेक्शन में मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में संवेग एम वी कॉस थीटा होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। यहाँ आप देखिए एम वी कॉस थीटा को हमने यहाँ ले लिया है, सी को कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ सी आ गया है, और एच न्यू अपॉन सी और एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई को एक साथ ले करके एच फॉर्म में यहाँ कॉमन ले लिया है, जिससे हमारी इक्वेशन बन गई एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण को अगर यदि हम लगाएं तो टक्कर से आपतित फोटोन का संवेग वाई डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि हमने आपतित फोटोन को एक्स डायरेक्शन में लिया हुआ है। विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका संवेग भी जीरो है। टक्कर के पश्चात फाई एंगल पर प्रकृत होने वाले फोटोन का वाई एक्स की ओर संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और इलेक्ट्रॉन का संवेग जो कि थीटा डायरेक्शन में मूव कर रहा है वाई एक्स के अनुदिश संवेग एम वी कॉस थीटा होगा। यहाँ एम वी कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट हम करते हैं, और हम ये जानते हैं कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अतः यह इसी एक के साथ माइनस साइन आएगा, जो मैंने यहाँ इक्वेशन में नहीं लिखा हुआ है पर आप ध्यान रखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस एक के साथ माइनस साइन यहाँ आएगा। एम वी कॉस थीटा क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन है, अतः इस इक्वेशन को हम एम बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई के रूप में लिख सकते हैं। उक्त दो व तीन समीकरण का वर्ग करके इनको जब योग कर देते हैं सम कर देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होने से वो रिमूव हो जाता है और हमको मिलता है एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई होल स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये इस फॉर्म में हमको मिलता है। इस तरह से एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस फाई न्यू डैश स्क्वायर। यहाँ भी आप देखिए न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू वन होता है, तो इक्वेशन की फॉर्म में हमको मिल गया। समीकरण एक का वर्ग कर दें जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार हमको मिली थी, तो हमको मिलता है एम स्क्वायर सी को एच स्क्वायर स्क्वायर करने पर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। फाइव से फोर को यदि हम घटा दें अंतर कर दें तो हमको मिलेगा एम स्क्वायर सी फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर माइनस एच न्यू माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस टू न्यू न्यू डैश प्लस फाइव माइनस एच डैश न्यू डैश स्क्वायर। यहाँ भी आपका एच स्क्वायर आएगा। इस इक्वेशन में से एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लें तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। इस साइड में जो कॉमन क्वांटिटीज है उनको हम रिमूव कर दें
आपको जो बची हुई क्वान्टिटी जो वो हमारे पास रहेगी माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डेज कोस फाई प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डेज एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। चूंकि हम जानते हैं m इज इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, ये v वेलोसिटी से गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये विराम स्थिति में स्थित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से हम इसको जानते हैं। इसको जब सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं एम स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर होता है। समीकरण छः में जब इसकी वैल्यू में रखता हूँ तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाती है और ऐसा करते हैं इस तरह इस साइड में जो एम जीरो स्क्वायर सी फोर है वो इस साइड वाले एम जीरो स्क्वायर सी फोर से कैंसिल हो जाता है और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन आती है न्यू माइनस न्यू डेज अपॉन न्यू न्यू डेज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाई। हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू, अतः लेमडा डेज होगा सी अपॉन न्यू डेज। दोनों का डिफरेंस यदि मैं लूँ तो वो इस फॉर्म में आएगा और इसकी वैल्यू इक्वेशन सेवन से जब अपन रख देते हैं तो ये हमको मिल जाता है एच अपॉन एम जीरो सी वन माइनस कोस फाई। इसी सूत्र को क्वांटम विस्थापन का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र से ये भी स्पष्ट है कि क्वांटम विस्थापन केवल प्रकीर्णित फोटोन की दिशा फाई पर निर्भर करता है। यदि हम फाई और क्वांटम विस्थापन के बीच ग्राफ खींचें तो हमको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये इसके पर्टिकुलर एंगल फाई पर वैल्यू प्राप्त होती है। उक्त फार्मूले में एच अपॉन एम जीरो सी में सभी कांस्टेंट राशियां हैं, सभी अचर राशियां हैं और इसकी विमा तरंग दैर्ध्य की विमा के बराबर है, अतः इसको हम एक नया नाम देते हैं क्वांटम तरंग दैर्ध्य। और क्योंकि इसके सारे कांस्टेंट्स ज्ञात हैं अतः जब उनकी वैल्यू हम रखते हैं तो हमको इसकी वैल्यू 0.0242 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त होती है। अतः लैम्डा अतः क्वांटम विस्थापन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 0.0221 माइनस कोस पाई एंगस्ट्रॉम। अब हम देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में प्रकीर्णित होते हुए फोटोन के कारण क्वांटम विस्थापन का मान कितना होता है। यदि फाई इजिकल टू जीरो लें तो कोस फाई इजिकल टू वन होता है। वन माइनस वन जीरो होने से डेल्टा लेमडा यानी लेमडा डेस माइनस लेमडा इजिकल टू जीरो होता है, अतः यहाँ कोई क्वांटम विस्थापन नहीं होता। जो आपतित तरंग आपतित फोटोन है वही परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है, उसी डायरेक्शन में प्रकीर्णित होता है। आप देखिए फाई इजिकल टू जीरो का मतलब आपतित फोटोन की डायरेक्शन में ही उत्सर्जित फोटोन मूव कर जाता है। इस तरह के प्रकीर्णन को फॉरवर्ड स्केटरिंग कहते हैं। जब फाई इजिकल टू पाई बाई टू लें अर्थात प्रकीर्णित फोटोन की डायरेक्शन आपतित फोटोन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो कोस पाई जीरो होगा, अतः इस स्थिति में लेमडा सी जो कि 0.0242 एंगस्ट्रॉम के बराबर है के बराबर हमको क्वांटम विस्थापन प्राप्त होता है। फाई इजिकल टू पाई
अर्थात आपतित फोटोन आपतित प्रकाश आपतित एक्स किरण की डायरेक्शन के अपोजिट यदि फोटोन का प्रकीर्णन हो जाता है तो उस स्थिति में डेल्टा लेमडा क्योंकि कोस फाई माइनस वन होता है तो वन प्लस वन इजिकल टू ट्वाइस लेमडा सी के बराबर होगा 0.0484 आंगस्ट्रॉम के बराबर क्वांटम विस्थापन हमको मिलेगा। ये क्वांटम विस्थापन का अधिकतम मान है और इस स्थिति में क्वांटम इफेक्ट को बैकवर्ड क्वांटम इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो फोटोन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लौटता है। क्वांटम प्रभाव फोटोन के कर्ण रूप होने को भी सत्यापित करता है क्योंकि हमने इस डिस्कशन में ये देखा है कि किस तरह से एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में रिकॉइल होकर मूव करते हैं और इस तरह की टक्कर प्रत्यास्थ होने के कारण हम ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करके क्वांटम विस्थापन का फार्मूला भी निकाल चुके हैं। ये जो फोटोन है ये अविभाज्य होता है ये भी हम देख चुके हैं क्योंकि जो फोटोन आ रहा है वो पूरा का पूरा अवशोषित होता है और अवशोषित होकर जो उत्सर्जित फोटोन है वो भी पूरा का पूरा है उसका कोई अंश नहीं है। इस प्रकार क्वांटम प्रभाव विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के समर्थन में एक सशक्त प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होता है और क्वांटम सिद्धांत को पूर्णतया स्थापित करता है। यदि हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से जो प्राप्त फार्मूला है उससे हमको ये काइनेटिक एनर्जी मिलती है जो के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश के बराबर है जहाँ एच न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा है और एच न्यू डैश प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा है। इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। अतः इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वांटम विस्थापन के सूत्र का यदि मैं उपयोग करूँ तो ये फार्मूला एच अपन एम बी स्क्वायर एम जीरो सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाई के बराबर होता है। थोड़ा सा और उसको सरल करें यहाँ अल्फा इजिकल टू एच न्यू अपन एम जीरो सी स्क्वायर ले लें तो हमको प्राप्त होता है न्यू अपन बेस इजिकल टू वन प्लस अल्फा वन माइनस कोस फाई। इसको समीकरण एक में यदि मैं रख दूँ तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होती जो के इक्वल टू एच न्यू अल्फा वन माइनस कोस फाई अपन वन प्लस अल्फा वन माइनस कोस फाई के बराबर। उसी तरह से फाई इक्वल टू जीरो पर वैल्यू इसमें रखें तो के इक्वल टू जीरो प्राप्त हो रहा है फाई इक्वल टू फाई बाई टू पर वैल्यू इसके बराबर प्राप्त होती है और फाई इक्वल टू फाई पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो इसके बराबर प्राप्त होती है और ये मैक्सिमम है अर्थात बैकवर्ड स्केटिंग में रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी फोटोन जो है वो वापस लौट जाता है और संपूर्ण जो एनर्जी है उसका कुछ अधिकांश अंश इलेक्ट्रॉन को स्थापित स्थानांतरित हो जाता है। इस अवस्था में उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। वे तरंग दैर्ध्य के रूप में भी हम के मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और देख सकते हैं। अब हम रिकॉयल इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। उसके लिए क्वांटम विस्थापन ज्ञात करते समय जो समीकरण प्राप्त हुई थी उसमें समीकरण तीन और दो तीन को दो से भाग देने पर यानी जो
वाई डायरेक्शन में संवेग संरक्षण के आधार पर जो समीकरण थी उसको एक्स डायरेक्शन के संवेग संरक्षण से प्राप्त समीकरण से हमने भाग दिया है, तो हमको टेन थीटा फिजिकल टू न्यू डे साइन फाई न्यू माइनस न्यू डे कोस फाई मिलता है। इसको आप सोल्व करें जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है, इसको प्रॉपर वे में सोल्व करें। वन प्लस एल्फा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो वन माइनस कोस फाई बटे बचेगा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है कोट फाइव बाई टू अपन वन प्लस एच में जीरो से स्क्वायर, जहाँ एल्फा की वैल्यू मैंने रख दी है। इस प्रकार फाई और थीटा में ये रिलेशन हमको प्राप्त होता है, यदि फाई मालूम है तो थीटा भी हमको मालूम हो जाता है। फाई इजिकल टू जीरो पे थीटा इजिकल टू फाइव बाई टू प्राप्त होता है, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा फोटोन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन पाई बाई टू एंगल पर मूव कर जाता है। पाई बाई टू पर थीटा की वैल्यू ये प्राप्त होती है, और फाई इजिकल टू फाई बैकवर्ड स्केटिंग में थीटा इजिकल टू जीरो प्राप्त होता है, अर्थात फोटोन वापस आपतित फोटोन की दिशा में लौट जाता है और इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की दिशा में प्रतिक्षिप्त हो जाता है। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फार्मूला हम ऊर्जा संरक्षण के रूप में पहले देख चुके हैं, जिसको मैं वापस लिखता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर जो एम सी स्क्वायर जो मैंने लिया था उसकी जगह मैं यहाँ ही लिखता हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की संवेग ऊर्जा संबंध से हम ये जानते हैं इस पी स्क्वायर जीपर को पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी को 6 और 7 का उपयोग करके हम इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमें इस पर ये प्राप्त होता है। कॉम्पटन विस्थापन समीकरण से हम जानते हैं न्यू माइनस न्यू डेस अपन न्यू न्यू डेस इक्वल टू एच अपन एम जीरो सी वन माइनस कोस फाई, इसका उपयोग करके न्यू अपॉन न्यू डेस की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, और वन माइनस न्यू डेस अपॉन न्यू डेस अपॉन न्यू वन माइनस न्यू डेस अपॉन न्यू की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, जो हमें इस तरह से प्राप्त होती है। ये वैल्यू हम इक्वेशन 8 में रख दें तो हमको इक्वेशन 9 प्राप्त होती है। हम जानते हैं P इजिकल टू एम वी, यहाँ इसको मैंने और मॉडिफाई करके एम जीरो सी बीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर के रूप में लिख दिया है, जहाँ बीटा वन बी अपॉन सी हमने लिया है। अतः पी स्क्वायर अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर इजिकल टू बीटा स्क्वायर अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन 9 में जब मैं रख देता हूँ तो ये इक्वेशन मुझे प्राप्त होती है, और इसको बीटा के लिए सोल्व करते हैं तो ये इस फॉर्म में हमको प्राप्त होता है। और क्योंकि तो बीटा वी अपॉन सी होता है, अतः वी की वैल्यू जब हम प्राप्त करते हैं समीकरण को सोल्व करके तो हमको ये समीकरण प्राप्त होती है। फाई इजिकल टू जीरो पर वी की वैल्यू जीरो प्राप्त होती है, फाई इजिकल टू फाई बाई टू पर वी की वैल्यू इस समीकरण से ली जाती है। फाई इजिकल टू फाई बैकवर्ड स्केटिंग में वी मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू इस समीकरण से ली जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट के आधार पे भी हम क्वांटम थ्योरी का
जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ फेनोमिना केवल क्वांटम सिद्धांत से ही सिद्ध किए जा सकते हैं। चिर सम्मत सिद्धांत का उपयोग उनमें नहीं हो पाता है, अतः यह प्रभाव भी क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करता है। धन्यवाद।